हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। स्वागत है मेरा और नई वीडियो में। आप लोग का तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ सब बड़े होंगे, मस्त होंगे। गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं आज कोंडा गांव, और जा रहे हैं मैं शिवलाल के साथ, दो लोग जा रहे हैं बाइक से। और हम देख सकते हैं गाइस, हम लोग हैं जंगल के पास, जो शामपुर से कोंडा गांव रोड में है अभी। और हम लोग जा रहे हैं अभी कोंडा गांव ही, और कोंडा गांव से आगे तक जाना है। तो गाइस, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला कोंडा गांव सिटी, अपना ज़िला। तो गाइस, किस प्रकार से है अपना सिटी कोंडा गांव। तो गाइस, कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। तो गाइस, अगर नए होंगे तो वीडियो में लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। गाइस देख सकते हैं, और हम लोग पहुंच गए हैं कोंडा गांव, और यहाँ का ब्रिज है, अरे देख सकते हैं सामने का। और यहाँ पेड़ पौधा बहुत ही अच्छा है, छांव के लिए मस्त रोड किनारे है, बहुत अच्छा लग रहा है। और चलते हैं आगे, और जस्ट सामने में कलेक्टेड, अरे सामने में नाका बनी हुई है, सकते हैं गाइस, गाइस देख सकते हैं। और ये है सामने में कलेक्टेड ऑफिस, बहुत बड़ा यहाँ कलेक्टेड ऑफिस है। यहाँ का सामने मेन गेट है, और यहाँ से घुसने वाली जगह है, देख सकते हैं गाइस। और ये रहा कलेक्टेड ऑफिस यहाँ का, कोंडा गांव जिला का, और देख सकते हैं। और यहाँ पर सोनाली का शोरूम देख सकते हैं गाइस, और बहुत सारे दुकानें अभी खुली हैं। और आगे और चलते हैं, और देख सकते हैं सामने में पेट्रोल पंप भी है, और KGN जस्ट एंट्री वाली होने वाली है, जर देख सकते हैं पेट्रोल पंप, HP पेट्रोल पंप। और ये बनी हुई न्यू कॉम्प्लेक्स, अभी बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है, देख सकते हैं गाइस। वो आगे तक है, जस्ट हम लोग ये जगदलपुर रोड में पहुँचे, और ये रही सामने जगदलपुर वाली रोड। और यहाँ पर ब्रिज लगी हुई है, जो हर एथनिक शर्ट वाला यहाँ पर लोगो वगैरह बना है, बहुत सारे ब्रिज है, इससे पूरा उसी का बनी हुई है। और ये रहा जगदलपुर, इस रोड से जा सकते हैं। बहुत सारा दुकानें खुली हैं आज, पूरा सबके सब दुकानें यार चालू है यहाँ पर। हाँ, रोड थोड़ा खाली खाली लग रहा है आज, और बहुत सारे गाड़ियाँ भी चल रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर, इस कौन सा शोरूम है गाइस, यार ये सौरा देख सकते हैं गाइस। और आगे बहुत सारे शोरूम भी हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये देखिए सोलो लाइमर टायर्स, अरे TVS शोरूम देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अभी न्यू खुली है। और ये न्यू होलैंड शोरूम, ट्रैक्टर शोरूम गाइस, और ये हीरो अहूजा शोरूम सकते हैं, लगभग गाड़ी वाड़ी खरीदने के लिए आ सकते हैं गाइस। आहूजा शोरूम, हीरो बाइक मिल सकती है वहाँ पर। और यहाँ पर और एक और कुबोटा शोरूम गाइस, बहुत सारे शोरूम हैं। और आगे देखने को मिलेंगे होंडा शोरूम, अरे यहाँ कौन सा 12 पेट्रोलियम पंप, महिंद्रा फाइनेंस, जो भी गाड़ी वगैरह लेते हैं तो यहाँ से, यहाँ पर हम गाड़ी फाइनेंस पैसा फटा सकते हैं इसमें। और बहुत बड़ा है बैंक, और ये सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। और आगे हम पहुँचने वाले हैं गांधी चौक, जस्ट सामने में है गांधी चौक, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। आराध्य, यहाँ पर कुछ खास कपड़े दुकान देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा यहाँ पर मॉल है, और बहुत ही आराम है। सामने में ये देख सकते हैं गाइस, ये है गांधी चौक, और यहाँ पर इसको बोलते हैं गांधी चौक गाइस, और कोंडा गांव सिटी। और सामने में
वाली गाड़ियां जा रही हैं, अभी देख सकते हैं कपड़ा कलेक्शन वगैरह देख सकते हैं गाइस, यहां पर बहुत सारे हैं यार, आगे में और देखने को मिलेंगे कपड़ा कलेक्शन वगैरह, और बहुत सारे यहां पर दुकानें हैं सर सामान का, रही आसपास में देख पा रहा हूं मैं बहुत सारे गाड़ियाँ खड़े हैं, और यहाँ पर IVP की कौन सी बैंक है शायद, हाँ देख सकते हैं ऐसे इधर लाइन से कपड़ा कलेक्शन वगैरह है, यहाँ से लगभग पूरे पूरे यार वहाँ तक आगे तक है कपड़ा कलेक्शन, और ये सामने में मस्जिद देख सकते हैं आप लोग, और बहुत बड़ा मस्जिद है, और यहाँ का पेट्रोल पंप जो बस स्टैंड के आसपास HP पेट्रोल पंप आ रहे हैं, कपड़ा कलेक्शन है आसपास दो लाइन से, और यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, और सामने में है देख सामने में बस स्टैंड, यहाँ पर अमित बुक डिपो देख सकते हैं, अरे सामने में बस स्टैंड, अरे ये रहा बस स्टैंड, यहाँ कोंडागांव सिटी का बस स्टैंड, नारनया वाला तो आगे बना, इससे आगे सिटी से बाहर और बहुत बाहर बना दिए हैं वो वाली बस स्टैंड को, और ये है पुराना बस स्टैंड, न्यू तो अभी वहाँ चालू नहीं हुआ है, तो उद्घाटन यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे दुकान है डेली नीड्स वगैरह, हम चलते हैं इधर से घूमते हुए, अरे यहाँ देख सकते हैं और होंडा शोरूम बहुत ही बड़ा है यहाँ का कोंडागांव, या बस स्टैंड सामने जस्ट, और यहाँ पर गड़ी चौक बनी हुई न्यू न्यू, मैं पास देख पा रहा हूँ गाइस यहाँ पर मक्का बेचने के लगे और खरीदने वाले भी, यार आसपास में बहुत ही कपड़े यार बहुत ज़्यादा भीड़ है आसपास में, यार यहाँ का कपड़ा कलेक्शन वगैरह ऐसे देख सकते हैं गाइस, यार चप्पल कलेक्शन वगैरह, यार देख सकते हैं ऐसे ये रहा सामने में गड़ी चौक, यहाँ पर अभी भी न्यू बना है ये इधर से बाईपास रोड, वहाँ पर रोड साइड निकल सकते हैं जहाँ पर न्यायालय वगैरह है उधर से, यहाँ पर बहुत सारे ऑटो खड़े हैं देख सकते हैं, और हम पहुँचने वाले हैं सामने आगे थाना के पास देख सकते हैं, और यहाँ का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर देख सकते हैं गाइस, और यहाँ पर जोशी स्पोर्ट दुकान, यहाँ पर बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स का सामान मिलते हैं, और ये रहा पोस्ट ऑफिस यहाँ का, और यहाँ पर रुकना पड़ता है गाइस नहीं तो, अबे रोक ले, लगभग 30 सेकंड का यहाँ पर लाल बत्ती जली है तब तक रुकते हैं, और ग्रीन बत्ती जलेगी तो अपन को जाना है यहाँ से आगे, और ग्रीन बत्ती जल गई गाइस, और हम लोग चलते हैं ये तहसील कार्यालय, तहसील कार्यालय, और मैं सामने देख पा रहा हूँ गाइस कुछ बच्चे स्कूल वाले पैदल जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नहीं मालूम, कोई आइडिया नहीं है, देख सकते हैं, और यहाँ का ताना कोतवाली गाइस, यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है ना, पैदल चाल के लिए यहाँ पर ब्रिज बनी हुई है गाइस, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, और यहाँ कुछ कार्यक्रम भी चल रहे हैं यहाँ का स्टेडियम में, और सामने में यार बहुत सारे ट्रक आ रहे हैं, और सामने में देख सकते हैं गाइस, और यहाँ की गार्डन कोंडागांव गार्डन बहुत ही फेमस गार्डन है गाइस, 5 बजे खुलती है यहाँ का, और यहाँ मंदिर भी है, और ये कुंवर हॉस्पिटल देख सकते हैं गाइस बहुत ही बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल, और यहाँ का तालाब कोंडागांव गार्डन जस्ट बाजवेल में है रोड किनारे देख सकते हैं, रहा यहाँ पर बाबा अम्बेडकर की मूर्ति, और ये रहा जिला सत्र न्यायालय, और बहुत बड़ा सिटी है कोंडागांव, तो और आगे तक है और आगे देखने को मिलेंगे कुछ कुछ, और यहाँ पर या जो जोंडी और शोरूम देख सकते हैं यहाँ, इससे आगे और देखने को मिलेगा गाइस जिला हॉस्पिटल जो पुलिस लाइन के सामने में है जस्ट, 105 जांच नाका यहाँ पर, ये आसमार यहाँ से जाते हैं गाइस मर्दापाल, और पर कॉलेज कोंडागांव जिला की कॉलेज PG कॉलेज देख सकते हैं, यही है यहीं से जा सकते हैं आप लोग, अरे जाना ये रहा, और इधर
इधर में और बगल में न्यू बना है, कौन सी कॉलेज है, तो विज्ञान भवन गाइस। और हम लोग और जिला हॉस्पिटल के आसपास ही वहाँ लगभग पहुँचने ही वाले हैं। अपने समझते सामने ट्रक जा रही है और यहाँ का जो विदेशी होटल देख सकते हैं गाइस, बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसका लुक वगैरह। और क्या क्या सामान मिलते कोई आइडिया नहीं, हम लोग को तो अब कभी गए नहीं है। और यहाँ का ये है कौन सा स्कूल, चावरा स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा है। और देख सकते हैं गाइस सामने में, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देख सकते हैं ये रहा विश्राम गिरा भवन यहाँ का कोंडागांव जिला का। और ये रहा कैम सीआरपीएफ हेडक्वार्टर कोंडागांव की। और आगे में पुलिस लाइन, जस्ट पुलिस लाइन जिला हॉस्पिटल है गाइस। यार ये रहा जहाँ पर झंडे, कुछ कुछ झंडे लगे हैं यहीं पर, एक पुलिस लाइन देख सकते हैं। ये रहा पुलिस लाइन यहाँ का कोंडागांव जिला। यार इसका एंट्री है यहाँ से गाइस, देखें पुलिस लाइन वाले की यहाँ से। और ये रहा जिला हॉस्पिटल, अभी रिपेयर किया गया, बहुत अच्छा लग रहा है, जिला चिकित्सालय कोंडागांव देख सकते हैं गाइस, बहुत ही बड़ा है यहाँ का हॉस्पिटल भी। बहुत सारे गाड़ियाँ आ रहे हैं सामने से, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। यहीं तक है कोंडागांव सिटी और बहुत देखेंगे और हम लोग बाद में और दिखाएंगे। आज ये कोंडागांव सिटी के लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं बहुत जल्द न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।